नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोगटा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माइसेल्फ डॉक्टर अभिनव वर्मा और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने हमारी क्वेश्चन सीरीज की हिमाचल प्रदेश की चौथी वीडियो लेके। और हमारा जो टॉपिक आज का रहेगा वो रहेगा वाटर बॉडी, जिसमें हम लेक्स, स्प्रिंग्स और वाटरफॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एज यूजुअल एक अनाउंसमेंट है, और जैसा कि आपने जोगटा सर की वीडियो में देखा, जोगटा अकेडमी के दो नए ब्रांचेस खुली है। एक हमारा है सेक्टर 25 इन चंडीगढ़, और उसी के पैरेलली जैसे हमारा शिमला में BCS में एक ब्रांच रन कर रही थी, उसके साथ हमने अब संजौली में भी अपनी ब्रांच शुरू कर दी है। बहुत जल्दी वहां पे क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे कुछ अपकमिंग प्रोग्राम्स हैं, अपकमिंग बैचेस हैं, जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है हमारा 21 अप्रैल से शुरू होने वाला HAS प्री प्लस मेंस फाउंडेशन बैच, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों में रहेगा, सेक्टर 15D चंडीगढ़। दूसरा, जैसा कि जोगटा सर ने भी कहा था, एक स्पेशल SPGK का कोर्स जो टारगेट करेगा इस साल के प्रीलिम्स को, चाहे HAS का प्री हो, अलाइड हो, ठीक है, बाय हिमसेल्फ सुरेश जोगटा सर। ये भी ऑफलाइन, ऑनलाइन और रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, जो कि 5 मई से शुरू किया जाएगा। और शिमला के BCS ब्रांच में, ठीक है, हमारे साथ आप लोग तैयारी कर सकते हैं अलाइड और नायब तहसीलदार की, जो कि 8 मई 2023 से हम BCS ब्रांच में शुरू करेंगे। इसका भी ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड सीरीज रहेगी, और ये एक्सक्लूसिव बैच रहेगा। जैसा कि आपको पता है अलाइड की पोस्टें आउट होने वाली है, तो उसके कंटेक्स्ट में ये बैच हमने यहाँ पे चलाया है। तो इवन पीपल एस्पिरेंट्स नाउ डू नॉट नीड टू गो टू योर चंडीगढ़, आप शिमला में ही अलाइड की सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स। बाकी जानकारी के लिए और फीस स्ट्रक्चर के लिए आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो वी स्टार्ट विद द वीडियो, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम लेक्स, वाटर बॉडीज, जितनी भी हमारे स्प्रिंग्स है, वाटर वॉल्स, उनको कवर करने की। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और एडवाइस भी करूंगा कि आप इस वीडियो को 1.5 की स्पीड में रन करें, ताकि आपका समय भी इतना ज़्यादा वेस्ट ना हो, एंड इवन जल्दी से जल्दी ये क्लियर भी हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एज यूजुअल हमारा मैच द फॉलोइंग का रहेगा। सो आंसर आपके सामने है, बट हाउएवर जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूँ कि हम इनको कंसेप्चुलाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चंद्रताल लेक, सी हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स है, ठीक है, और ये तीन रामसर साइट्स में से एक हमारी चंद्रताल भी है, ठीक है। चंद्रताल लेक को रामसर साइट का दर्जा 2005 में दिया था, ठीक है, 2005 में चंद्रताल वॉज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट। अब जो अन्य दो बची रामसर साइट्स, ठीक है, 2002 में आप देखेंगे पोंग लेक को रामसर साइट या वेटलैंड का दर्जा दिया गया था, और 2005 में आप देखेंगे जो रेणुका लेक है उसको भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो हिमाचल के पास इस टाइम 3 रामसर साइट्स है, 2002 की पोंग लेक और 2005 की चंद्रताल एंड रेणुका। सो 1 का हो गया ई। उसके बाद है गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक 1962 में एक रिजर्वॉयर की तरह हमारे पास तैयार होके आ गई, और उसी साल हमने गोविंद सागर लेक को रिकग्निशन दे दिया एज वाटर फाउल रेफ्यूज, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो मेजर लेक्स हैं उनके हमने सिंगल क्वेश्चंस भी रखे हैं, ठीक है। लामा द लेक, सी लामा द लेक इज अ ग्रुप ऑफ 7 लेक्स इन चंबा। ये चंबा की 7 लेक्स है, और चंबा की ये सबसे बड़ी लेक्स में से एक है, सबसे बड़ी लेक यही है। अब ये जो लामा द लेक है, इट बिलोंग्स टू लॉर्ड शिवा, और अगर लॉर्ड शिवा को बिलोंग करती है, इट मीन्स कि जो लोकल गद्दी ट्राइब है, जो लोकल गद्दी ट्राइब है, विच आर जनरली नोन एज द सन ऑफ लॉर्ड शिवा, जो गद्दी है वहां के, ठीक है, तो वो यहां पर जन्माष्टमी और अन्य फेस्टिवल, नौला फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करने आते हैं। सो 3 का हो गया ए। एंड लास्ट इज महाराणा प्रताप सागर। अब महाराणा प्रताप सागर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा रामसर के बारे में क्लैरिटी दी, डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहां पर आप देखेंगे जो महाराणा प्रताप सागर है, दैट इज योर पोंग लेक,
जो आपका कांगड़ा में बनता है। 1994 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इट एज द वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो इंडिया ने इसको वेटलैंड, नेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड 1994 में डिक्लेयर कर दिया था। और जो रामसर साइट है, ठीक है, जो रामसर साइट है वो ये 2002 में बन के तैयार हुई। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज वन का सी, सॉरी वन का ई, टू का बी, थ्री का ए एंड फोर का सी, ठीक है। सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमको बस लोकेशंस मैप करनी है, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है चंद्रकूप ताल। सी चंद्रकूप ताल इज वन ऑफ द फेमस लेक्स इन चंबा, और ज़्यादातर आप देखोगे, ठीक है, इस लेक्स में आपको फ्लोटिंग आइस शीट्स भी देखने को मिलेगी। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा है कि किस लेक में ज़्यादातर आपको फ्लोटिंग आइस शीट्स देखने को मिलती है। उसी तरह से हमारे पास एक फ्लोटिंग आइलैंड वाली लेक भी है प्राशर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फ्लोटिंग आइस शीट्स देखने को मिलेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सुक्सर लेक। सुक्सर लेक इज इन मंडी, ठीक है। अब जो ये सुक्सर है, ठीक है, इसके साथ आपको छह सर, लोकल लैंग्वेज में सर का मीनिंग होता है लेक या फिर वाटर बॉडी, ये देखने को मिलती है, ठीक है। रिवाल्सर से जब आप ऊपर को जाओगे, ठीक है, ट्रैक पे, सो यू विल फाइंड, यू विल कम अक्रॉस अ टेम्पल नोन एज नैना देवी। सो नैना देवी से आपको यहाँ पर टोटल सात सर देखने को मिलती है, जैसे काला सर, सुख सर, कुंद भ्योग। सो जो रिलेशन है, जो स्टोरी है, इट इज रिलेटेड टू योर पांडवास, ठीक है, साथ में उनकी मदर कुंती एंड उनके वाइफ द्रौपदी। तो कहानी कुछ इस तरह से है, कुंती माता को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी एंड उन्होंने एक एक करके अपने पुत्रों को और अपनी जो बहू है और खुद भी ट्राई किया कि पानी की उनकी थर्स्ट को क्वेंच कर दिया जाए। सो फाइनली यू विल सी कुंत भयोग एक सर आया था, ठीक है, जो अर्जुन ने तीर मारा था और वहाँ पे फ्रेश वाटर आया था। इसमें आपका काला सर भी है, सुख सर है, कुंत भयोग है, और ये प्राशर तक जो आप ट्रैक है सीधा वहाँ पे निकलोगे इन सर के। अब मोस्टली तो ड्राई अप हो चुकी है, सो अभी दो या तीन लेक्स बची है जहाँ में थोड़ा थोड़ा आपको पानी देखने को मिलता है। उसके बाद है हमारा कारा लेक। कारा लेक इज इन योर किन्नौर। अब ये जो कारा लेक है, ठीक है, कारा लेक है, ये आपको देखने को मिलती है भाभा वैली में, भाभा वैली किन्नौर, दिस इज योर कारा लेक। नाउ द नेक्स्ट लेक इज योर नीलकंठ लेक, एंड द नीलकंठ लेक इज इन योर लाहौल। अभी जो नीलकंठ लेक है बेसिकली, ठीक है, इट बिलोंग्स टू लॉर्ड शिवा, ठीक है। तो इस तरह की मान्यता है कि जब समुन्द्र मंथन के आसपास लॉर्ड शिवा ने विष पिया था, जहर पिया था, सो उसके बाद उनको थोड़ा ऐसे उसके आफ्टर इफेक्ट देखने को मिले थे। सो वाइल ही वॉज रिटर्निंग टू हमारा मनी महेश, जब वो मनी महेश की तरह वापस आ रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे वो थोड़े डिजी फील होने लग गए थे नीलकंठ के पास। तो जैसे ही वो थोड़े से डिजी हुए, उनका लड़खड़ाए, तो बोलते हैं कि पार्वती माता ने उनके कंठ पे हाथ रख दिया ताकि जहर पूरी बॉडी में ना जाए। तो इस तरह की यहाँ पे मान्यता है, और इसी मान्यता के आधार पर जो वहाँ के लोकल्स हैं वो इस लेक पे फीमेल्स को नहीं जाने देते। द फीमेल्स आर नॉट अलाउड इन योर नीलकंठ लेक। तो बॉयज़ जो मेन है जनरली इस लेक पे नहाने वगैरह जाते हैं, एक तरह से तीर्थ स्थल है। सो इस तरह की कुछ स्टोरीज हैं और कुछ लेक्स हैं जो आपको देखने को मिलेगी। सो आंसर इज वन का सी, टू का बी, थ्री का डी एंड फोर का ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन योर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। अब ये कुछ ट्रेंड आपको इस साल देखने को मिला था, इंपॉर्टेंट प्लेसेस का जो न्यूज़ में थे उनके डायरेक्ट एलिवेशन पूछी थी हमने। ये एक जो हमने HAS प्री और NT प्री के पेपर को सॉल्व किया था, वहाँ पे भी ये लास्ट क्वेश्चन मैप के थ्रू सॉल्व किया था, ठीक है। सी चंद्रताल। अब देखिए चंद्रताल और सूरज ताल, ठीक है, चंद्रताल और सूरज ताल आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द हाइएस्ट, ठीक है, लेक्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इनफैक्ट सूरज ताल है वो HP की हाईएस्ट लेक है और इंडिया की थर्ड हाईएस्ट लेक है, ठीक है। सो चंद्रताल की यहाँ पे जो एलिवेशन है दैट इज योर 4300 meters, और ये जो 4890 meters है ये हाईएस्ट है हमारा सूरज ताल, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे प्राशर लेक, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे प्राशर लेक। अब प्राशर लेक
कि जो एलिवेशन है, ठीक है, प्राचल के जो एलिवेशन है इट इज अराउंड योर 2730 meters. उसके बाद आ गया हमारा सिरोलसर लेक जो कि आपका कुल्लू में है, ठीक है. कुल्लू में कहाँ पर है ये? हमारा जिभी, ठीक है. बेसिकली जीबी, नॉट ओनली जीबी बट लाइक जलोरी जोत, ठीक है, जो एग्जैक्ट है दैट इज जलोरी जोत. पर जनरली बुक्स में थोड़ा फेमस लोकेशन है जीबी तो उसके हिसाब से डाला हुआ है. तो जलोरी जोत से वहां को ट्रैक जाता है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. अब जलोरी जोत जो हमारा पास है इनर एंड आउटर सराज के बीच, इसकी एलिवेशन लगभग 3000 meters के आसपास है. तो अगर आपको इतना पता होगा तो सिरोलसर लेक क्लोजेस्ट टू 3000 कितना आता है? 3100 meters. सो 3 का हो गया सी. एंड लास्ट इज योर चमेरा लेक. सी चमेरा लेक इज इन चंबा एंड चंबा इज बेसिकली चगांव जैसे प्लेन एरिया है. सो लास्ट ऑप्शन जो बचा डैट इज योर 736 meters. सो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आगे, क्योंकि एक बार अब कमीशन ने पूछने शुरू कर दिए तो शायद मे भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले. सो द राइट आंसर इज 1 का B, 2 का D, 3 का C and 4 का A. तो अगर आपको पासिस, अगर आपको थोड़ा कनेक्ट करना आता है डॉट्स को पासिस के थ्रू, या जैसे चंबा बहुत डाउन है, या प्राशर और जैसे जंजीरी कितना था, जंजीरी अराउंड 1700 के आसपास है, तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो. बस इतना कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, ठीक है. नाउ वील स्टार्ट विद द जनरलाइज्ड एंड बेसिक क्वेश्चंस जिस तरह से आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है. सो द क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. गोविंद सागर लेक इज अ मैन मेड लेक रिजर्वॉयर इन बिलासपुर बिल्ट इन 1962, ठीक है. सी हम ऑप्शन पे बाद में जाते हैं, ठीक है. द नेक्स्ट इज पंडित नेहरू कॉल्ड इट दिस डैम एज द न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया, ठीक है. एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज वॉटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैज बीन डेवलप्ड इन बाथू बिसाइड्स गोविंद सागर डैम. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. अब यहां पर हुआ क्या था, ठीक है. द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1955, ठीक है, बाय मिस्टर हार्वे सोलमन, ठीक है, एंड इट वॉज कंप्लीटेड बाय 1962, जैसा आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया. सो नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. अब जब ये बन रहा था, ठीक है, इट इज सेड दैट कि अराउंड 256 विलेजेस वर डिस्प्लेस्ड. तो 256 विलेजेस डिस्प्लेस हो चुकी थी पूरी की पूरी बिलासपुर से, ठीक है, एंड इवन और योर ऊना. तो इस तरीके से ये बना था. एंड इन द नेक्स्ट ईयर 1963, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस डैम को जो ये बना था क्या कहा था? द न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया. सो अगेन द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. हाउ एवर यहां पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो है, ठीक है, यहां पर वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो है, बट इट इज योर लुहनू ग्राउंड, LUHUNU, लुहनू ग्राउंड, नॉट योर बाथू, ठीक है. ये जो बाथू है, ठीक है, बाथू की लाड़ी, वी ऑल्सो कॉल इट, इट इज प्रेजेंट इन योर पोंग लेक, इट इज प्रेजेंट इन योर पोंग लेक. इसे सबमर्ज टेम्पल्स भी कहा जाता है, ठीक है. तो कई बार एक क्वेश्चन आता है कि लुहनू ग्राउंड कहां पर है, तो लुहनू ग्राउंड इज बेसिकली इवन योर क्रिकेट ग्राउंड, तो ये आपको गोविंद सागर बिलासपुर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है. तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आएगा दैट विल बी 1 and 2, दैट विल बी 1 and 2, ठीक है. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है. खजियार लेक इज ऑल्सो नोन एज मिनी स्विट्जरलैंड बाय स्विस एनवॉय विली पी ब्लेजर ऑन 7th July 1992. सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. हमको पता है जो हमारा खजियार है उसे हम प्यार से मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, ठीक है. एंड उसे जो हमारे स्विट्जरलैंड के एनवॉय थे विली पी ब्लेजर, उन्होंने इसको मिनी स्विट्जरलैंड का टाइटल दिया था इन ऑन योर 7th July 1992. द नेक्स्ट इज योर इट इज द 160th स्विट्जरलैंड, ठीक है, जो हमने कहा है इसको, इट इज 168 टू बी क्रिश्चियन्ड एज मिनी स्विट्जरलैंड विच हैज अ स्मॉल नाग टेम्पल बिल्ट बाय द नर्स ऑफ पृथ्वी सिंह वर्मन बाटलू, ठीक है. अब ये पूरी स्टेटमेंट ठीक है, पूरी स्टेटमेंट ठीक है एक्सेप्ट द नेम ऑफ द चंबा किंग. यहां पे जो नाम आएगा वो नाम आएगा पृथ्वी सिंह वर्मन, पृथ्वी सिंह वर्मन, ना कि पृथ्वी, ठीक है, ना कि
पृथ्वी, तो यहां पर बस नाम गलत है जिससे कि पूरी स्टेटमेंट आपकी ऑटोमेटिकली गलत हो जाती है, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है। बाटलू नर्स ने ही बनाया था, 160th ही मिनी स्विट्जरलैंड इसे कहा गया है, ठीक है। उसके बाद खजियार हैज अ थिक फॉरेस्ट कवर अराउंड द फेमस कालाटॉप सेंचुरी, तो अगर आप खजियार के बारे में बात करोगे, ठीक है, जैसे मान लो डलहौजी है, ठीक है, डलहौजी से लेकर यू विल फाइंड कि आपको यहां पे क्या देखने को मिल जाएगी, कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड इसी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा खजियार, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज खजियार हैज थिक फॉरेस्ट कवर अराउंड द फेमस कालाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू, सो द करेक्ट स्टेटमेंट आर 1 and 3 ओनली, ठीक है। बस यहां पे क्या आएगा, पृथ्वी सिंह वर्मन, फिर ये भी ठीक हो जाता, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लामा दल लेक इज अ ग्रुप ऑफ 7 lakes, यस, एंड लार्जेस्ट इन द रीजन, ठीक है, चंबा रीजन की ये लार्जेस्ट लेक है, ट्रू स्टेटमेंट। उसके बाद इट इज बिलीव्ड दैट लॉर्ड शिवा क्रिएटेड लामा लेक आफ्टर ही मैरिड गॉडेस पार्वती हु इज वर्शिप्ड एज माता गिरजा, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूं कि किस लेक का निर्माण किया गया था इस तरह से कि इसके माता गिरजा कहा जाए, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एनकरेज वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ऑन द लेक अ वाटर स्पोर्ट्स सब सेंटर इज सेटअप बाय द हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म नियर लेक चमेरा। सो यू विल सी कि जो चमेरा लेक है, हमने पहले भी देखा था, जो हमारी चमेरा लेक है, इट इज एन आर्टिफिशियल लेक विच इज बिल्ट ऑन रिवर रावी, विच इज बिल्ट ऑन रिवर रावी, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा तलेरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहां पे देखने को मिलेगा आपको तलेरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसकी यहां पे बात की जा रही है। अलोंग विद दिस आप यहां पे देखोगे हिमाचल प्रदेश ने यहां पर एक सबसे पहली लाइब्रेरी भी सेटअप की थी, ठीक है, फॉर द किड्स, डिजिटल लाइब्रेरी फॉर द किड्स। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं, करंट अफेयर्स है विच आर ऑन गोइंग इन हिमाचल प्रदेश, इसलिए यहां पर यह डाला था। तो जो तलेरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इट इज इन योर, इट इज योर चमेरा लेक जहां पे ये बना है, जहां पे पूरा आपका वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू होती है। अलोंग विद दिस चमेरा लेक में एक फेमस टेंपल आपको देखने को मिलेगा, दैट इज ऑफ भलेई भद्रकाली माता, दैट इज ऑफ भलेई भद्रकाली माता, तो एक यहां पे ये टेंपल आपको देखने को मिलता है। दूसरा, चमेरा लेक इज द गेटवे टू योर बांधल वैली, टू योर बांधल वैली ऑफ योर चंबा, ठीक है, टू द, जिसको हम कई बार बांदर वैली भी प्रोनाउंस कर देते हैं, सो इट इज योर बांधल वैली ऑफ चंबा, ये भी हमारा चमेरा लेक के आसपास है। सो योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड योर थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। हाउ एवर जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है, ठीक है, जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है, यहां पर ये जो पूरा का कंटेक्स्ट है, ये है हमारा मनी महेश लेख के बारे में। ये किसके बारे में है, मनी महेश लेख के बारे में, विच इज ऑफन रिकॉर्डेड एज द फर्स्ट कैलाश, ठीक है, विच इज ऑफन रिकॉर्डेड एज द प्रथम कैलाश या फर्स्ट कैलाश, जो कि हमारे भरमौर में पड़ा। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ये लेक लॉर्ड शिवा ने माता पार्वती से शादी करने के बाद बनाई थी और वहां पर शी इज वर्शिप्ड एज माता गिरजा, ये आपका कौन सी लेक है, मनी महेश लेक। तो ओनली स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द दल लेक, ठीक है, दल लेक विच इज इन योर कांगड़ा। दल लेक इज लोकेटेड इन धर्मशाला कांगड़ा ऑन बलानधार या फिर बल्लनधार, द स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूटली ट्रू, ठीक है, दल लेक जो है वो हमारी बलनधार या बलनधार के सिचुएटेड है इन योर धर्मशाला कांगड़ा। अ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द्रुमदेश्वर, ठीक है, लॉर्ड शिवा का द्रुमदेश्वर हु विच वॉज बिल्ट बाय सेज अगस्त्य इज लोकेटेड हेयर। सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर आप दल लेक जाओगे या देखोगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड अगर आप इस तरह से देखोगे, यू विल फाइंड अ वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल टेम्पल जो है हमारे लॉर्ड द्रुमेश्वर महादेव का, जो कि सेज अगस्त्य ने यहां पे बनाया था। नेक्स्ट,
बिफोर 15 डेज ऑफ जन्माष्टमी अ फेयर नोन एज राधा अष्टमी इज हेल्ड हेयर. सी एवरीथिंग इज ट्रू, सब कुछ ट्रू है. यहाँ पर यह फेस्टिवल मनाया जाता है, टाइम गैप भी 15 दिन का है. फर्क कितना है कि बिफोर नहीं है, इट इज योर आफ्टर. आफ्टर 15 डेज, ठीक है, आफ्टर 15 डेज जन्माष्टमी का फेयर विच इज नोन एज राधा अष्टमी यहाँ पे मनाया जाता है. बस इतना सा फर्क है. सो द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. द लास्ट स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड अ सेज नेम्ड दुर्वासा प्रेड टू लॉर्ड शिवा हेयर, जिनके नाम पे ये फिर टेम्पल बाद में बन के आया. सो दिस इज अगेन योर ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज अगेन योर ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, सो दीज आर योर करेक्ट ऑप्शन 1, 2 and 4. एंड योर थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, क्योंकि बिफोर नहीं वो फेस्टिवल, आफ्टर जन्माष्टमी शुरू होता है 15 दिन के बाद. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द पोंग लेक, जैसा कि मैंने आपको बताया था. सो द पोंग लेक इज फॉर्म्ड बिटवीन देहरा एंड पोंग डैम ऑन ब्यास रिवर विच वॉज बिल्ट इन 1950 एंड डिस्प्लेस्ड योर 85 विलेजेस. सी ब्यास रिवर तक द स्टेटमेंट इज ट्रू. अब ये जो डैम है ये 1961 में बनना शुरू हुआ एंड इट डिस्प्लेस्ड 90 विलेजेस, ठीक है, एंड ये कंप्लीट हुआ हमारा 1975 में, ठीक है. सो उसी के रिगार्डिंग हमारी दूसरी स्टेटमेंट है. द डैम वॉज बिल्ट इन 1975, नेम्ड इन द ऑनर ऑफ महाराणा प्रताप एंड द लेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज महाराणा प्रताप सागर. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है. उसके बाद दिस इज डिक्लेयर्ड एज द सेंचुरी इन 1983. अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. और उस सेंचुरी के बाद इसको 1994 में वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित किया गया और उसके बाद 2002 में इसे बना दिया गया रामसर साइट, ठीक है, वेटलैंड रामसर साइट. और ये हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट वेटलैंड या रामसर साइट भी आपको देखने को मिलेगी. बाकी जो दो अन्य थी वो हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है. अब सो द आंसर हेयर इज योर 2 and 3, बाकी 1 and 4 आर करेक्ट. पोंग लेक लार्जली न्यूज में रहता है, ठीक है, पोंग लेक लार्जली न्यूज में रहता है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू विल फाइंड इन पोंग लेक इज द रैंसर आइलैंड, इज द रैंसर आइलैंड. अब पोंग लेक, ठीक है, पोंग लेक कहां पर है, कांगड़ा में. और अभी कांगड़ा को रिसेंटली क्या दर्जा दिया गया है, हम इसको बनाएंगे हमारी टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे. इस टूरिज्म कैपिटल बनने में पोंग लेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. क्यों? क्योंकि 2017 में HPTDC प्लस एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, HPTDC और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पोंग लेक में टूरिज्म को प्रमोट करने का आप देखोगे एक मेमोरेंडम साइन किया था अंडर लेट वीरभद्र जी, और तब से वहां पर गतिविधि बहुत ज्यादा तेज हो गई है. इस पोंग लेक में आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम है रैंसर आइलैंड, ठीक है. इस रैंसर आइलैंड में यू विल फाइंड कि आपको बर्ड वॉचिंग, ठीक है, ओपन हाउस कैफेटेरिया, इस तरह की सुविधा देखने को मिलेगी. सो इस कंटेक्स्ट में यहां पर पोंग लेक का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए. सो इसीलिए यहां पे क्वेश्चन हमने डाला था, ठीक है. अब द नेक्स्ट इज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल लेक्स. तो पहली स्टेटमेंट है सिरोलसर लेक इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ जलोरी पास इन तीर्थन वैली कुल्लू. द स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूटली ट्रू, ठीक है. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज उनामसो लेक इज इन लाहौल स्पीति रिसीविंग वाटर फ्रॉम द यूनाम ग्लेशियर. द स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है. सिरोलसर लेक जलोरी पास आपको मैंने पहले बताया था 3100 मीटर, और उनामसो लेक रिसीव्स वाटर फ्रॉम द यूनाम ग्लेशियर, ठीक है, ये भी ट्रू है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पंडो लेक इज ऑन मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे 3 एंड सर्व्स एज अ रिजर्वॉयर
फॉर द पंडो डैम विच वॉज कंप्लीटेड इन 1977 एंड इज मैनेज्ड बाय एनटीपीसी. सी ये स्टेटमेंट पूरी ठीक है, बस यहाँ पे एनटीपीसी की जगह क्या आ जाएगा, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB. ठीक है, तो पोंग लेक हो गया आपका, ये BBM आपका पंडो लेक हो गया. ठीक है, यहाँ पर जो मैनेजमेंट बॉडी है जैसे NTPC, SJVN, ठीक है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट बॉडी है दैट इज योर BBMB, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड. तो इस स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है. उसी के साथ साथ रिवाल्सर लेक कॉल्ड एज सो पेमा इन बुद्धिस्ट, रिवाल्सर लेक कॉल्ड एज सो पेमा इन बुद्धिस्ट इज ट्रू, इज रिलेटेड टू थ्री रिलीजन्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू. हिंदू सेज रिवाल्सर, अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. हिंदू के लोमस ऋषि, ठीक है, हिंदू के लोमस ऋषि को ये जनरली डेडिकेट की जाती है. सिख में 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, एंड बुद्धिस्ट रिलीजन में पद्म संभवा को ये डेडिकेट की जाती है. सो रिवाल्सर लेक को सो पेमा तो बोलते हैं, और यहाँ पे तीन धर्म भी प्रैक्टिस किए जाते हैं, बस यहाँ पे सेज लोमस ऋषि है ना कि ऋषि या सेज रिवाल्सर, बाकी सब स्टेटमेंट ट्रू है. हाउएवर हमने यहाँ पे बात की थी आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में. अब आर्टिफिशियल लेक्स यहाँ पे सिर्फ पंडो लेक और रिवाल्सर लेक है, सॉरी रिवाल्सर लेक भी आर्टिफिशियल लेक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आर्टिफिशियल लेक पंडो लेक है, रेस्ट ऑल आर योर नेचुरल लेक्स. तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली ही रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में बोलना था. सो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो कई बार आपको स्टेटमेंट्स को थोड़ा ढंग से भी पढ़ना पड़ेगा, कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि थोड़े डिफिकल्ट होते हैं. ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगी मैच द करेक्ट पेयर्स, सॉरी. तो करेरी लेक, सी करेरी लेक का इज योर, इट फ्लोज इन द लयून रिवर. तो करेरी लेक आपको कांगड़ा में देखने को मिलेगी. ठीक है, सो इट जब वहां से पानी आता है करेरी लेक का, इट फ्लोज इन द लयून रिवर, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. ठीक है, देन इज योर नीलकंठ लेक. नीलकंठ लेक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, थोड़ा न्यूज में भी है. नीलकंठ लेक इज इन द कप्पन वैली ऑफ लाहौल, ऑफ लाहौल. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत, ये पेयर यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि तप्पन वैली लाहौल में है, स्पीति में नहीं है, और नीलकंठ लेक भी लाहौल में है. गड़ा कुफर लेक इज अ वेरी स्मॉल लेक इन थेओग शिमला. सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. एंड द लास्ट इज यूलाकांडा. यूलाकांडा इज अ लेक विच इज इन किन्नौर. ठीक है, हाउएवर इट हैज द हाइएस्ट कृष्णा टेम्पल, नॉट द शिवा टेम्पल. ठीक है, इट इज द हाइएस्ट शिवा टेम्पल, सॉरी इट इज द हाइएस्ट कृष्ण टेम्पल लेक, ना कि शिवा टेम्पल लेक. सो द करेक्ट पेयर्स आर वन एंड थ्री ओनली. उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द इनकरेक्ट पेयर्स, या फिर पेयर इनकरेक्ट पेयर. तो सबसे पहला है हमारा कराली लेक. सो कराली लेक इज नॉट इन योर कांगड़ा, इट इज इन योर शिमला. ठीक है, तो शाली टिब्बा, द शाली हिल जो है वहाँ पर आपको ये लेक देखने को मिल जाएगी. ठीक है, एंड ऐसा बोलते हैं कि जितना अनाडेल है उतनी ये लेक है. ठीक है, ब्लैक वाटर लेक या बार्किश लेक आपको इसको देखने को बोलेंगे. सो पहला स्टेटमेंट, पहला पेयर इज रॉन्ग. कांगड़ा में है करेरी लेक, तो कई बार कन्फ्यूज ना होइएगा, कराली और करेरी में फर्क है. ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट इज दीपक ताल. अब दीपक ताल इज इन योर लाहौल स्पीति ओनली. दीपक ताल हो गया आपका, यूनामसो लेक हो गया. ठीक है, चंद्र ताल, सूरज ताल, ठीक है, दंकर लेक, दीज लेक्स आर ऑल इन योर लाहौल स्पीति. उसके बाद है सरू ताल. ठीक है, सरू ताल इज योर करेक्ट. सरू ताल आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, रोडू वैली में, इन योर शिमला डिस्ट्रिक्ट. उसके बाद है सकेती या फिर सुकेती लेक, इट इज नॉट इन योर मंडी. हालांकि रिवर आपको देखने को मिल जाएगी मंडी में, सुकेती रिवर, उसी के कॉन्फ्लुएंस ब्यास के साथ आपको मंडी टाउन देखने को मिलता है, बट जो सुकेती लेक है वो आपको देखने को मिलती है सिरमौर में. ठीक है, सिरमौर में देखने को मिलता है, मार्कंडे रवि के पास, रिवर के पास.
नेक्स्ट इज योर सोरंग लेक. सोरंग लेक इज इन योर किन्नौर. किन्नौर की अन्य लेक आपको देखने को मिल जाएगी, नाको लेक, एक हमने भाभा वैली वाली लेक भी पीछे पढ़ ली है. तो किन्नौर की भी हमारी तीन लेक्स कवर होगी. सो द इनकरेक्ट पेयर कौन कौन से हैं? वन एंड फोर. सो इनकरेक्ट पेयर आर वन एंड फोर. आंसर इज बी. द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट्स. करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है. इन मंडी ऑन द राइट बैंक ऑफ सतलुज इट इज तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. सो तत्तापानी हॉट वाटर जो आपको देखने को मिलेगा, इट लाइज इन योर मंडी ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है. हाउएवर अब तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल लेक भी तैयार हो गई है. ठीक है, दैट इज योर तत्तापानी लेक. ठीक है. और रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव स्टार्टेड वाटरवेज. ठीक है, जो कि आपका तत्तापानी से लेकर कहाँ तक जाएगा? कसोल तक. कसोल विलेज जहाँ पे रिवर सतलुज एंटर करती है बिलासपुर को, तो एक वाटरवे भी यहाँ पे शुरू किया जाएगा. ठीक है, ये भी हमारा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. द नेक्स्ट इज उन्नू एंड टापरी आर द टू हॉट वाटर स्प्रिंग्स ऑन हिंदुस्तान तिब्बत रोड इन किन्नौर. ठीक है, ये दोनों हॉट वाटर स्प्रिंग तो है. हाउएवर उन्नू नाला जो है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलुज, बट ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग है इट इज इन योर ज्यूरी विच इज इन योर शिमला डिस्ट्रिक्ट. मैंने पहले रिवर वाली वीडियो में भी ये कहा था. और टापरी जो है वो किन्नौर में ही है, इसीलिए स्टेटमेंट हो जाती है गलत. सो ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू कि मंडी में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? तत्तापानी हॉट वाटर स्प्रिंग. उन्नू हॉट वाटर स्प्रिंग है वो आपको ज्यूरी शिमला में है. टापरी हॉट वाटर स्प्रिंग है ये किन्नौर में है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज योर मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स. मणिकरण हॉट वाटर स्प्रिंग इज अलोंग द बैंक ऑफ रिवर ब्यास. ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज रॉन्ग. इट इज अलोंग द बैंक ऑफ रिवर पार्वती. ठीक है, पार्वती वैली में यह है. तो पहली स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत. देयर इज सल्फर और आयरन कंटेंट इन द मणिकरण वाटर एंड इज रेडियो एक्टिव इन नेचर. सी, रेडियो एक्टिव इन नेचर तो है. ठीक है, रेडियो एक्टिव नेचर तो है, बट इसमें सल्फर कंटेंट नहीं है. देयर इज नो सल्फर आयरन कंटेंट, इसीलिए स्टेटमेंट होगी गलत. हाउएवर यहां पर जियोथर्मल एनर्जी प्लांट आपको देखने को मिलेगा जो 1992 में ही एस्टैब्लिश कर दिया था. दिस इज ट्रू. ठीक है, बट सल्फर आयरन कंटेंट नहीं है तो पूरी स्टेटमेंट होगी गलत. उसके बाद वशिष्ठ एंड कलथ आर द हॉट वाटर स्प्रिंग्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्यास इन कुल्लू. सो यस, वशिष्ठ, ठीक है, आपका मनाली, कलथ, ठीक है, दीज आर द हॉट वाटर स्प्रिंग्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर ब्यास इन योर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट. इन योर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट. सो ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज थ्री. दैट इज थ्री. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट्स अगेन. ठीक है, तत्वानी, सुल्हा एंड सलोल आर द कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स ऑफ कांगड़ा. कांगड़ा के स्प्रिंग्स तो है, सुल्हा और सलोल कोल्ड वाटर स्प्रिंग है. हाउएवर तत्वानी इज नॉट अ कोल्ड वाटर स्प्रिंग, इट इज अ हॉट वाटर स्प्रिंग. इट इज अ हॉट वाटर स्प्रिंग ऑफ कांगड़ा. इसके साथ एक और हॉट वाटर स्प्रिंग है कांगड़ा का, दैट इज योर ज्वालामुखी. दैट इज योर ज्वालामुखी. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि तत्वानी हॉट वाटर स्प्रिंग है, सुल और सलोल हमारी कोल्ड है. शिवपुरी एंड नहर सबर आर द कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स ऑफ ऊना. नहीं, ये ऊना के नहीं, ये हमारे सिरमौर के कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स है, शिवपुरी एंड नहर सबर. ठीक है, एंड द लास्ट इज रुक्मणी कुंड इज लोकेटेड इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. अब जो रुक्मणी कुंड है इस साल इसको इसको हर गांव कुछ कहता है, जो स्कीम है हमारी हर गांव की कहानी, उसमें इसको इंक्लूड किया गया है. सो अगेन थोड़ा यहाँ पे करंट अफेयर वाला टच है. तो रुक्मणी कुंड आपका बिलासपुर में ही देखने को मिलेगा एंड द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ठीक है, बाकी ये सिरमौर है और तत्वानी हमारा कोल्ड नहीं, हॉट वाटर स्प्रिंग है. ठीक है, उसके बाद मैच द फॉलोइंग्स है. जोगनी फॉल, सो जोगनी फॉल यू विल फाइंड अ वेरी फेमस फॉल इन कुल्लू. सीसू फॉल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. लाहौल, अब लाहौल में आपको देखने को मिलेगा भूटान मॉडल ऑफ टूरिज्म. ठीक है, भूटान मॉडल ऑफ टूरिज्म. ठीक है,
उसके बाद भागसुनाग, भागसुनाग आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा, एंड कालिका कुंड अभी हमने किया, ये आपको देखने को मिलेगा चंबा में। सो आंसर इज 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी एंड 4 का ए। शिमला में आपको क्या देखने को मिलता है, चैडविक वाटरफॉल्स, ठीक है, चैडविक वाटरफॉल्स शिमला में यू विल फाइंड ओनली चैडविक वाटरफॉल, जो कि एक फेमस वाटरफॉल है, ठीक है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो, हालांकि थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, आई होप सो इट विल बी यूजफुल फॉर यू पीपल, ठीक है। सो नाउ थैंक यू सो मच।